अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। देखते हैं आज हमारे पास कौन सी न्यूज़ है। हम बात करेंगे इलेक्शन 2018 की, लेकिन सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा इसकी हाइप है इस पर बात करेंगे। एंड हमारे पास है ऑनर नोट 10 से रिलेटेड कि इसको कब लॉन्च किया जा रहा है। और इसके साथ हमारे पास एक और न्यूज़ है जो कि है स्नैपचैट से रिलेटेड न्यूज़ के स्नैप कैश को शट डाउन किया जा रहा है। वीर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन 2018 को जो कि वेंसडे को होने वाले हैं, 25 जुलाई को। वेल व्यूअर्स, टीवी पर तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पॉलिटिशियंस की मैं बात करूँ तो भी, और इसके साथ जितने भी सपोर्टर्स अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, डिफरेंट जल्स से हम देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन अब जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है सोशल मीडिया का आफ्टर 3G और 4G जैसे लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, तो उसके बाद लाइक हमें डिफरेंट इंटरनेट बंडल्स मिल रहे हैं, तो हमारे लिए यूज़ करना काफ़ी ईजी हो गया है सोशल मीडिया। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो इलेक्शन 2018 से रिलेटेड भी इस तरह मैंने बहुत से मीम्स देखे, जोक्स देखे, कुछ अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। वेल व्यूअर्स, मैं ये बताते चलूँ कि मैं जो देख रही थी, मैंने ये देखा है कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग मुझे नज़र आए, बहुत गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। लाइक जितने भी पार्टीज़ हैं, एक तो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एंड इसके साथ जो सपोर्टर्स हैं वो डिफरेंट जो हैं वो फ्लैग्स के साथ और डिफरेंट अपने अपने फॉरहेड पे बैंड लगा के एंड इसके साथ फ्लैग्स पहन के डिफरेंट प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट कर रहे हैं और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जलसे भी मैं देख रही हूँ तो फेसबुक पे हमें इस तरह हमें बहुत ज़्यादा अपडेट मिल जाती है। इसके बाद इंस्टाग्राम पे और फिर ट्विटर की अगर मैं बात करूँ तो ट्विटर पे आपको पता है ऑथेंटिक न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा इन होते हैं इसमें और इसके साथ एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और वो भी अपने डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं अपनी जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको, और सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है उनको भी अपना एक स्टाइल होता है कि वो किस तरह करें, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा देखने का रिस्पॉन्स दिया जा रहा है सपोर्टर्स की तरफ से डिफरेंट। और इंस्टाग्राम पर भी मैंने इस तरह के डिफरेंट मीम्स एंड जोक्स देखे हैं। तो अगर आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि आप किसको वोट देंगे। वैसे वोट देना चाहिए लेकिन आपका वोट ज़ाया ना हो, जैसे कि आप देखते ही हैं डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं इससे रिलेटेड। वेल व्यूअर्स, आप भी बताइए कि आप किसको वोट देंगे, और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो वो तो वोट नहीं कर सकते, तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से एक ऐप भी लॉन्च की गई है, तो उसकी डिटेल्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं ऑनर नोट 10 से रिलेटेड जो कि 31 जुलाई को लॉन्च हो रहा है वाला है, और ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है। इसके साथ AI फ्लैगशिप के साथ साथ ये 6.9 इसकी जो है वो स्क्रीन साइज़ है, एंड इसके साथ इसमें सुपर एमोलेड जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और इसके साथ इसकी जो चिपसेट है वो है Kirin 970 इसमें चिपसेट जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है वो यूज़ की गई है, एंड 6GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ रोम के साथ ये लॉन्च किया जाएगा, और इसमें डुअल कैमरा सेटअप होगा। तो हम लोग इस तरह के स्पेक्स देख रहे हैं अभी इस ऑनर नोट 10 में, तो देखते हैं कि इस फ्लैगशिप डिवाइस को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है यूज़र्स की तरफ से। तो स्टे ट्यून्ड। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं स्नैपचैट के फीचर से रिलेटेड जो कि है स्नैप कैश, और इस फीचर को 2014 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस थी जो कि स्नैपचैट की तरफ से लॉन्च की गई थी, लाइक यूनाइटेड स्टेट में इस फीचर को लॉन्च किया गया था। तो अब जो है कंपनी का ये कहना है कि अब इसको डिसकनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 30 अगस्त से ये फीचर काम नहीं करेगा, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताई गई, लेकिन फिलहाल हमें यही पता चला है। वेल व्यूअर्स, ये फीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों यूज़र्स के लिए था, अभी तक काम तो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 अगस्त तक ये काम करेगा, और जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड की सहूलत मौजूद है तो वो इस फीचर को अवेल कर सकते हैं। अब रीजंस नहीं पता, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि और मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज हैं कंपटीटर्स अगर आ जाते हैं बीच में, तो हमें पेपॉल नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी बड़ी बहुत बड़ा मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म है, एंड इसके साथ स्क्वायर कैश भी इस तरह के प्रेजेंटेड है इस तरह की कंट्रीज़ में। लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करूँ, वहाँ पर ये स्नैप कैश यूज़ किया जाता था। तो अभी कंपनी की तरफ से इस फीचर को रिमूव कर लिया जाएगा, तो देखते हैं कि इस से रिलेटेड कंपनी क्या कहती है कि दोबारा से इसको लॉन्च किया जाएगा या नहीं, या हो सकता है हमें कोई रीज़न पता चल जाए तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। वेल व्यूअर्स, यही थी आज की न्यूज़, और इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए, तो फीडबैक देते रहिए। दोबारा आएंगे कल कुछ नई इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।